तो अभी हम नेपाल में एक दुकान पर रुके हैं, मैगी वगैरह खाएंगे। यहाँ पे चाय नहीं पीते। गवर्नमेंट का कार्ड मिलता है ना। अच्छा। लाइसेंस जो दार्जिलिंग में पड़ती है, मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ती है। हम नेपाल जाए, नेपाल की बॉर्डर से बस लेफ्ट घूम के 15 किलोमीटर आगे मिरिक है। ऐसा मौसम देखो कभी देखने को मिलता है यार, कितना बढ़िया लग रहा है सर। पहाड़ के बीच में आधे आधे बादल, अब तो गाड़ी भी चल रही है। पहले तो बिल्कुल रोड ब्लॉक था, बिल्कुल जाम था। हम सोचते थे हम कैसे निकलेंगे, लेकिन अब रोड खुल गया तो हम निकल सकते हैं। अभी 8 बज रहे हैं, मौसम एक नंबर लग रहा है यार। तो भाई रेडी हो गए अपन, अब निकलते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए, 9 बज गए, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा था कि गाड़ी चला नहीं सकते थे। मौसम बिल्कुल ख़राब सा हो रहा था, रोड भी नहीं दिख रही थी, लेकिन अब रोड दिख रही है, ट्रैफिक भी हो रहा है, टू व्हीलर्स भी चल रही है। तो फटाफट से हम निकलते हैं। और सामने जो टाटा मोटर्स है ना हमारे, ये 10 बजे खुल जाता है, तो हमने उसकी शटर से हमारी गाड़ी बांध रखी है, तो वो चेन खोल के गाड़ी निकालते हैं, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। तो बोले तो अच्छा नहीं लगता, वो बोले उससे पहले अपन गाड़ी निकाल लेंगे, बस फटाफट से रेडी होते हैं। और अभी अपन कहाँ जा रहे हैं, नेपाल। गाड़ी में भराते पेट्रोल और निकलते हैं नेपाल की ओर, मजा आएगा। यहाँ पर पेट्रोल भरा रहे हैं दोबारा। पेट्रोल का प्राइस यहाँ पर 108 रुपये, ऊपर हमने जो पहले भराया था यहाँ पे 105 था, लेकिन यहाँ पे 108 है, मतलब जयपुर के रेट के बराबर है। और डीजल 94 है, और 300 रुपये के बराबर है। हो गया। हमारे होटल के आगे एक जगह है घूम, वहाँ पे घूम स्टेशन है। तो घूम स्टेशन से थोड़ा आगे आके राइट में घूमना पड़ता है अपन को नेपाल जाने के लिए। तो अभी हम नेपाल के रास्ते में हैं, नेपाल के बॉर्डर तक हम जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर के आगे वहाँ नेट बंद हो जाएगा चलना, तो उसके अंदर थोड़ा सा जाएंगे हम, खाली ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे। तो उसके बाद आके दूसरी जगह पर जाएंगे, मिमिक। वो बंगाल में ही है, यहाँ पर दार्जिलिंग में ही है मिमिक। वहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, बोटिंग भी होती है, सब चीज़ होती है। तो पहले नेपाल जा रहे हैं हम, और अपनी इंडियन करेंसी भी चलती है यहाँ पर नेपाल में, तो हमने वैसे तो खुले करवा लिए। हमने क्योंकि सुना था कि 200 के 500 के नोट नहीं लेते वहाँ पे, खुले हो तो लेते हैं, तो हमने चेंज करवा लिए नोट। चेंज करा मतलब हमें जो 200 के नोट थे उसका चेंज करा लिया हमने। और वहाँ पे अगर कुछ नाश्ता पानी करना पड़ा हमको तो हम कर सकते हैं उसमें आराम से। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, गाड़ी ढलान पे जा रही है ना, गाड़ी बंद कर दो। मैंने गाड़ी बंद करके आराम से उतर रही है, पेट्रोल नहीं लगेगा इसमें, आधे टाइम पेट्रोल लगेगा, क्योंकि तो चढ़ाई पड़ेगी आधे टाइम, तो उसमें ज़्यादा पेट्रोल लगेगा। ज़्यादा टाइम मैंने गाड़ी बंद कर दी, आराम से जा रही है। सिर्फ हॉर्न चालू है, क्योंकि चाबी ऑन कर रखी है मैंने। और नेपाल का रास्ता बिल्कुल खाली है, सिर्फ गाड़ी आ रही है, जाने वाले बहुत कम है। नेपाल का रास्ता हमारे होटल से 26 किलोमीटर, और 26 किलोमीटर के लिए बता रहे हैं 1 घंटा, क्योंकि ट्रैफिक मिलता है ना यहाँ पे। तो 26 किलोमीटर को जाना है, खाली नेपाल बॉर्डर आ जाएगी। दार्जिलिंग में एक चीज़ है, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो ना तो आपको हेलमेट पहनना कंपलसरी है, दोनों को आगे पीछे दोनों को। अगर आपने हेलमेट बिल्कुल भी उतार दिया ना तो चलान कट सकता है, मतलब अगर आप जरा से दूर भी जा रहे हो ना तो हेलमेट पहन के चलाना, यहाँ पे नियम है बैन कर वाला, खतरनाक नियम है। अभी हम खड़े हैं नेपाल के रास्ते में, और ये हमारे साइड में है पाइन ट्रीज के पेड़, पाइन ट्रीज जो कितने जोरदार लग रहे हैं। बहुत खतरनाक है, लेकिन रात के टाइम पता भाई। लेकिन अपन चलते हैं, अपन को लेट नहीं होना, क्योंकि अगर लेट हो गए ना तो अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पर रोड पे कोई भी लाइट वाइट नहीं है, तो रिस्क नहीं लेंगे अपन, सीधे चलते हैं नेपाल।
अभी रास्ते में रुके हम आपको एक सीन दिखाने के लिए, वो सीन देखो कैसा। तो भाई हम आ गए फाइनली नेपाल में, नेपाल बॉर्डर एंटर कर दिए हम। और ये देखो अब आप गाड़ी के नंबर यहाँ पे चेंज हो गए। ये है पशुपतिनाथ नगर, नेपाल का पशुपतिनाथ नगर है और वो पशुपतिनाथ फाटक था वेस्ट बंगाल का। फाटक क्रॉस करते ही यहाँ पे नाम चेंज होता है पशुपतिनाथ नगर। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि हमारे नेटवर्क वगैरह बंद हो गए फ़ोन के, थोड़ा जाते हैं इंजॉय वगैरह करते हैं, दिखाते हैं आपको। पूरा नेपाल ढलान पे है, सिर्फ ढलान पे जाए जाओ। अब ऊपर जाने में हालत खराब होगी गाड़ी की, कितना ढलान है यार। गाड़ी बंद कर देते हैं। ये मार्केट है नेपाल का, पूरा मार्केट है, कपड़े ही कपड़े का मार्केट है पूरा। तो अभी हम नेपाल में एक दुकान पर रुके हैं, मैगी वगैरह खाएंगे। यहाँ पे चाय नहीं पीते क्योंकि अभी गाय का वो जो बीमारी हुई थी ना, लमसी या क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी वजह से यहाँ पे दूध नहीं पीते। अभी बंद कर रखा है, मतलब महीने दो महीने के लिए बंद कर रखा है। अभी यहाँ पे गाय मर रही है इसलिए दूध नहीं पीते, तो चाय नहीं बन सकती, तो हम खा रहे मैगी। तो ये है दुकान, यहाँ पे दुकान में सब मिलता है, बियर वगैरह भी सब ऐसे ओपन मिलती है। बियर भी आपके ओपन मिलती है? मिलता है ओपन, कोई रोक टोक नहीं है? नहीं, हमारा कार्ड है ना, हमारा तो गवर्नमेंट का कार्ड मिलता है ना, लाइसेंस है। तो हर दुकान वाले के पास लाइसेंस होता है बियर का? हर दुकान नहीं, थोड़ा दुकान, सब लोग नहीं होता। अच्छा, ऐसे यहाँ पे देखो छोटी छोटी बोतलें पड़ी बियर की। जुनू देखिए इधर, क्या नाम है? जुनू। हांगकांग से लिया है? अच्छा, हांगकांग का कुत्ता है। और आप लोग क्या जूस पी लिए? तो अभी अपन मैगी खा रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या जूस खाएगा? जूस इससे वाला नेपाल का है। मैगी है यहाँ पे, मैगी कितने की है? इंडियन सेवेंटी। चलो कोई बात नहीं, इंडियन रुपीज देंगे। आप मेरे को नेपाली दे दोगे कुछ चेंज वगैरह? नेपाली तो थोड़ा बहुत नेपाली रुपये भी लेके चलेंगे, नोट वगैरह। तो अभी दो मैगी आ रही है। ये नेपाल का है सब, ये नेपाल का, हाँ नेपाल का जूस, चायपत्ती, ग्रीन टी। तो नेपाल में क्या क्राइम रेट कैसा है? क्राइम होता है नेपाल में? नहीं होता। नेपाल में क्राइम वगैरह कैसा है? क्या क्राइम? क्राइम मतलब चोरी वगैरह होती है कि नेपाल में? नहीं होता इधर, कभी भी नहीं होता इधर, चोरी में कभी नहीं होगा, कभी नहीं होता। हाँ, सब कुछ सब लोग गाड़ी बाहर रहता है, देखने इतना गाड़ी से इधर ही बैठेगा सब। अच्छा, सब गाइड लोग सर इधर बैठे, गाड़ी उधर रहेगा, बाइक उधर रहेगा, सब लोग सामान बाहर रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो चोरी वोरी कुछ भी नहीं होता, सेफ है बिल्कुल, एकदम। ये चीज़ बढ़िया भाई, सब कुछ सेफ है यहाँ पर। दार्जिलिंग में भी सब कुछ सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब सेफ है। और यहाँ पे हेलमेट क्या एक जन लगाता है, दो जन लगाते हैं? एक जन लगाता है, एक जन लगाता है, एक जन लगाता है। फिर भी हेलमेट लगाना तो पड़ेगा आपको। लगा रही मैं। आप लोग थोड़ा नीचे जाए ना, बहुत बड़ा वाला बिग मार्केट है ना इधर, थोड़ा यहाँ से 6-7 किलोमीटर जाना पड़ेगा नीचे। अच्छा है मार्केट? अच्छा है। अच्छा, ठीक है। अभी तो उधर बहुत गर्म है ना, इसीलिए सब लोग इधर आ रहा है। राजस्थान में तो बहुत गर्म है अभी, इधर तो बहुत ठंडा है ना, अभी तो बहुत ठंडा है। तो राजस्थान से हम पहले दार्जिलिंग गए, दार्जिलिंग से गाड़ी ली, फिर गाड़ी से इधर आए। अब बैग इंडियन बैग है ना? इंडियन। वो भंसार ले लिया आप लोग का? भंसार में के कुछ नहीं? कुछ नहीं लिया, नहीं लिया यहाँ से, तो नहीं लिया तो यहाँ से जाना ना, मत लाना, वो जरीवन पड़ जाएगा तो सीज हो जाएगा इधर। अच्छा, वो कार इधर भंसार में कार ले करके
नीचे जान मिलता है तो वहाँ पे तो कुछ कागज लिए नहीं हमसे। नहीं नहीं मत जाना ऐसे, है ना? नहीं जाए ना, ना, ना गाड़ी सीज बीच कर देंगे गाड़ी। हाँ चलो ऊपर ही चलेंगे। तो अभी अंकल हमको बता रहे हैं कि जब अपन बॉर्डर एंटर करते हैं नेपाल की तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, एंट्री करते हैं, अपनी आईडी भी लेते हैं, एंट्री करते हैं कि कौन आ रहा है क्या है, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं लिया, एंट्री नहीं करी। तो ये बोल रहे कि अगर आप आगे जाओगे तो आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है क्योंकि आपकी कोई एंट्री नहीं करी गई। तो इसलिए हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, हम यहीं से वापस घूम जाएंगे। कुछ भी नहीं करेगा यहाँ, कुछ नहीं करेगा। एक किलोमीटर, ये तो टूरिस्ट का एरिया है थोड़ा सा, सब कुछ एक किलोमीटर, सिर्फ एक किलोमीटर, एक किलोमीटर, एक किलोमीटर भी नहीं है इधर। अच्छा। 900 मीटर समथिंग। और आगे जाएंगे तो मेन नेपाल चालू जाएगा। हाँ इधर गएगा, पुलिस चेक करेगा और सब लोग चेक करेगा आप लोग डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, तो कुछ भी नहीं करेगा। नहीं है तो आप लोग आईडी है हमारी, हाँ डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको सीज भी हो जाएगा। तो अपन यहाँ से मैगी खा के थोड़ी देर इंजॉय करके फिर निकलेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ से खास इतना बड़ा मार्केट नहीं इधर। अजीब सा टेस्ट है, मज़ा नहीं आया, मतलब कच्ची मैगी है। और ये मैगी भी इंडिया वाली नहीं, अलग मैगी है। आप हो जाएगा जी कल सुबह 9 बजे? कल सुबह 9 बजे। थैंक यू, हम देखेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, 70 रुपये मैगी के हो गए हमारे, 100 रुपये अंगूर, 30 रुपये मेरे को नेपाली करेंसी दे दो। थैंक यू, 30 रुपये नेपाली करेंसी लेंगे। करेंसी 50 दे देगा, 50 दे देगा, नेपाली 50, नेपाली 50। हाँ तो इंडिया का कितना हो गया? इंडिया का 30 होता है, इंडिया का 30 होता है। 70 आगे 50 मिलेगा, 32 बनेगा ना, तो 30 दे देगा। चलो बढ़िया, नेपाल राष्ट्र बैंक। हाँ ये देखो नेपाल राष्ट्र बैंक। चलो वो गाड़ी, तो अभी भैया खड़े हमारे साथ, बस है आपकी? नहीं मेरा वो आयुष। अच्छा ये टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा हाइलक्स इनकी, काठमांडू से आ रहे हैं। वो गाड़ी इनकी व्हाइट वाली ना, व्हाइट वाली भी है, वो सिल्वर वाली भी है, चश्मा लगा ली। हेलो हेलो, काठमांडू से आ रहे हैं। हाँ जी, और है यहाँ पे प्रॉपर नेपाल के? मैं प्रॉपर नेपाल के हूँ। अच्छा, वैसे काठमांडू कितना दूर पड़ता है? ऐसे 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर जी। अच्छा, और क्या किराया लगता होगा यहाँ से जाने का? ऐसे किराए में बस में लगेगा आपको 3000 नेपाली, 2000 इंडियन रुपीज़ जा रहे थे कल, वो मेरा वो दूसरा वाला गाड़ी जा रहा है। अच्छा, आप घूम सकते हैं, आपका साधन इधर रखे, आप मजा से घूम के आ सकते हैं काठमांडू, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 2000 इंडियन रुपीज़ तो ज़्यादा है, 500 किलोमीटर के। फिर हिली रीजन है ना, हिली रीजन। अच्छा, नो आपके जैसे फ्लैट वाला वो आपका ठीक है, पर आवर 120, नो पर आवर 30 किलोमीटर फॉर हियर। अच्छा, यस। तो फिर वहाँ पे होटल वगैरह? होटल वाला है तो बहुत बड़ा बड़ा होटल है, 7 स्टार से लेकर 1 स्टार तक है। अच्छा, गेस्ट हाउस से लेकर नॉर्मल तक है। अच्छा, कोई टेंशन नहीं। चलो बढ़िया, कभी आएंगे काठमांडू भी घूमेंगे? कभी आएंगे तो आपको हमको वेलकम है काठमांडू। बिल्कुल बिल्कुल, भैया का नंबर ले लेता हूँ मैं, कभी काठमांडू आएंगे एनी टाइम वेलकम है। आपका कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, कोई फैमिली आ रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा देव, देव देव शर्मा। देव शर्मा जी, आप एक बार नंबर बता दो मेरा, 9851074569। देव शर्मा इनका नाम है। 1 more 1898246888 दो नंबर है भैया के पास। लेकिन आप इंडिया से मेरे को डायल करेंगे तो आगे 977 जरूर लगाने। 977 नेपाल का कोड है, 977 नेपाल का कोड है, वो प्लस 977 है, प्लस 977, अदरवाइज 00977। अच्छा, प्लस 977 लगा के फिर नंबर डायल करेंगे तब नेपाल में कॉल लगेगा। आपको नेपाल में कॉल एनी टाइम लगेगा। अगर आप नेपाल घूमने आना चाह रहे हैं तो इनको कॉल कर सकते हैं, देव जी इनका नाम है। आपका गाड़ी घुमा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, होटल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटी है, पोखरा है, चितवन है, लुम्बिनी है, बहुत बहुत टूरिस्ट प्लेस है, वो आपके लिए एनी टाइम वेलकम है। तो चलो ये चीज़ सही हो गई, अब भैया को नंबर लेते, भैया को भी चैनल सब्सक्राइब कराया था अपना। ओके थैंक यू। ठीक है अंकल, ओके। भयंकर कह रहा है, भयंकर। बागमती प्रदेश 03, बागमती की गाड़ियां हैं। बाकी नेपाली लोग बहुत अच्छे हैं यार। अभी हम वहाँ से निकल के जाते हैं तो बारिश चालू हो गई,
तो एक दुकान पर खड़े, ठंड भी है और बारिश भी चल रही है यहाँ पे यार, ये देखो। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, रेनकोट पहन के निकले, रेनकोट पहन के। तुम रेनकोट लेके आप, रेनकोट पहनते हैं। रेनकोट पहन लिया अपन ने पूरा, अब यहाँ से निकलेंगे आराम से। अगर बारिश रुक जाएगी तो रेनकोट खोल देंगे, नहीं तो ऐसे ही चलेंगे। अब फ़ोन वगैरह सब अंदर रखते हैं, फिर गीला हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं मिरिक। मिरिक एक जगह है जो दार्जिलिंग में पड़ती है, मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ती है। हम नेपाल जाए, नेपाल की बॉर्डर से बस लेफ्ट घूम के 15 किलोमीटर आगे मिरिक है, यहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ जा रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं रेनकोट पहन के। अब हम नेपाल से तो आ गए, अब हम हैं मिरिक। दार्जिलिंग में एक जगह मिरिक, यहाँ पे देखो लेक, यहाँ पे बोटिंग होती है। अभी हम जाएंगे उधर, आ जाओ उधर, ये देखो ये दिख रहा, इधर जाना है हमको। ये देखो भाई कितना सुंदर लग रहा है ना, ये बड़े बड़े पहाड़, बीच में नाव चल रही है। देखते अपनी बोटिंग का क्या चार्जेस है, बोटिंग करते हैं। तो नेपाल हम गए ना, तो नेपाल के लोग इंडियन करेंसी आराम से लेते हैं। पार्किंग हमने उधर करी, और वहाँ से थोड़ा घूम के हमको उधर जाना पड़ेगा अगर हमको बोटिंग करनी है तो, क्योंकि उधर सिर्फ चिल्ड्रन पार्क था। ये पूरा घूम के जाना पड़ेगा हमको बोटिंग करने के लिए। तो भी आ गए हम घूम के, अब एक ब्रिज है, ब्रिज पे सो के जाना है हमको। ये ब्रिज ही उधर जाएगा जहाँ पे बोटिंग होती है, सिर्फ बोटिंग के लिए जाने के लिए ब्रिज है। बाकी गार्डन में जाते हैं, फिर टिकट अलग से। गार्डन में किसको जाना है? इस गार्डन में जाना है तो टिकट देना पड़ेगा। अब गार्डन किसको जाना है, अपन सेंटर पार्क ही घूम लेंगे सब बढ़िया। तो पहले मौसम बदलते हैं, अब बारिश आ रही थी और अब गर्मी लगने लग गई। यहाँ पे अगर हॉर्स राइडिंग करते हैं ना, तो हॉर्स राइडिंग का चार्ज अलग है, हॉर्स राइडिंग का चार्ज अलग है। मतलब एक तो हाफ राइड है और एक फुल राइड है। हाफ राइड का चार्ज है 320 पर पर्सन, और फुल राइड का है 640 रुपये, मतलब डबल हो जाता है। लेकिन हाफ राइड का इन्होंने डिस्काउंट करके 250 पर पर्सन कर दिया था हाफ का। हाफ राइड में थोड़ा सा जाता है, वो फुल राइड में पूरा लंबा घूम के आता है। हमारे साथ एक पॉपट हो गया, वो गार्डन में जिसमें टिकट थी ना, वहीं से बोट राइड ले सकते हो आप, या तो सिर्फ आई लव मेरी के साथ फ़ोटो खींचा सकते हो, खाली ऐसे घूम नहीं आ सकते इधर तो। बाकी तो बोटिंग उधर से होती है, हम इतने दूर आ गए, अब जाने का मन ही नहीं है। और अभी देखो क्लियर मौसम दिख रहा था ना, अभी आप देखो बादल ही बादल हो गए सामने, कुछ दिख नहीं रहा। दीदी रील बना रही है। तो जब नेपाल गए थे वहाँ पे क्या बॉर्डर में जब एंट्री करते थे अपन, नेपाल बॉर्डर की, दार्जिलिंग से जब नेपाल के बॉर्डर में एंट्री करते हैं अपन, उसको बोलते हैं पशुपतिनाथ फाटक, वेस्ट बंगाल वाली साइड को। और वो नेपाल बॉर्डर पार करने के बाद वो हो जाता है पशुपतिनाथ नगर। तो बॉर्डर एंटर करते टाइम वो आपकी आईडी लेते हैं, गाड़ी की आईडी लेते हैं, गाड़ी का नंबर पूछते हैं। लेकिन हमसे ये सब कोई कुछ ही नहीं पूछा था, हम डायरेक्ट एंट्री कर गए थे। तो लेकिन हम जिस दुकान पर रुके थे ना, उन दुकान वाले ने हमको बताया था कि अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाओगे तो वो आपकी सारी आईडी चेक करेंगे, और जो बॉर्डर पर आपको रिसिप्ट मिली है वो चेक करेंगे। लेकिन हमको वो मिली नहीं थी, तो इसलिए गाड़ी सीज हो सकती थी हमारी अगर हम आगे जाते तो। हम वापस वहाँ से रिटर्न आ गए, सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर गए थे हम, जो नेपाल का मार्केट था वहाँ घूमा, मैगी खाई, आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पे जो भी थे लोकल्स, हम फिर वहाँ से रिटर्न आ गए।
और नेपाली जो लोग होते हैं वो इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं आराम से। बस आपके पास चेंज होना चाहिए, 200 का नोट नहीं चलेगा, 500 का नोट नहीं चलेगा, 2000 का नोट नहीं चलेगा। आपके पास अगर चेंज होगा तो एक्सेप्ट करते हैं। हमारे पास 100 रुपये थे इंडियन रुपीज़ के और हमारी मैगी का चार्ज हो गया था 70 रुपये, तो हमने उनको 100 रुपये दिए और उन्होंने हमको 50 रुपये रिटर्न दिए नेपाली करेंसी के, जो कि इंडिया में होते हैं 32 रुपये। फिर हम वहाँ से डायरेक्ट आ गए मिरिक में। हम आए मिरिक लेक में, ये पूरी लेक है, यहाँ पे बोटिंग होती है, लेकिन हमारे साथ एक पोपट हो गया, बोटिंग होती है उस गार्डन में। मिरिक गार्डन का टिकट लेना पड़ता है, गार्डन में एंट्री करोगे तो वहाँ से बोटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन हमने टिकट लिया नहीं, हम डायरेक्ट घूम के पीछे आ गए। हम सोचे कि यहाँ से बोटिंग होती है, लेकिन यहाँ से बोटिंग नहीं होती, यहाँ पे खाली आई लव मिरिक लिखा हुआ है, वहाँ से आप फोटो खिंचवा सकते हो और कुछ ही नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हम वापस घूम के जा रहे हैं, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है और अभी टाइम हो गया 2, जाने में हमको 1 घंटा लग जाएगा, तो 3-3.5 लगभग बच जाएंगे हमको दार्जिलिंग पहुँचते हमारे होटल पहुँचते। और फिर क्या है, यहाँ पे अंधेरा भी जल्दी होता है, यहाँ पे रोड पे लाइटें भी नहीं है, तो रिस्की है काम, तो इसलिए हम अभी निकल रहे हैं मिरिक से, चलते हैं। तो भैया अब अपन करेंगे मोटो व्लॉगिंग, अब सारा सामान डिक्की में रख देते हैं, इसमें मेरे फ़ोन का कवर दो रख दे। अच्छा मैं आपको चलने से पहले बताऊं, आपको शायद दिख रहा है क्या, वहाँ पे एक पहाड़ है बिल्कुल दूर, वो सिक्किम का पहाड़ है, सिक्किम आ गया वो जो दूर पहाड़ है ना एक बादलों के बीच में, वो सिक्किम है। अब चलते हैं। गाड़ी चाबी नहीं है, जब से गाड़ी ली है ना तब से चाबी लगा देते हैं, हटा देते हैं, फिर भूल जाते हैं। अरे चाबी कहाँ रख दी मेरी, चाबी कहाँ रख दी? हाँ अभी शाम के 6 बज रहे, तो 6 बजे देखो धूप निकलती, खाली बादलों में धूप है, नीचे तो बिल्कुल ठंडा पड़ा, नीचे तो बादल ही आपके पास आ जाते हैं स्वागत करने के लिए। हाँ और हमारा तो रोज सुबह स्वागत होता है बादलों से, रोज गेट खिड़की खोल के देखो सारे बादल आपके पास। लेकिन ये मजा तो एक नंबर आता है यार बादलों में, ऐसा लगता है धुआं आ रहा हो, कोहरा हो रहा कहीं का, लेकिन ये बादल होते हैं असल में। अरे ना एक तो आप सर्दी में आते हो तो आप ठंड में ठंड में कापो थोड़ी और, मतलब लेकिन हम इतने सही टाइम पे है ना, हल्की हल्की ठंड। अरे बेटे जून का मौसम हमको पता है सब जगह का यार, दुबई भी हम गए थे हमको पता है यार। तो बाइक अपन ने दे दी भैया को, ये भैया को मेन ऑफिस है, ये वाला रास्ता जाना है मॉल रोड जाना है, ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, पेट्रोल पंप से जस्ट घूमते इनका ऑफिस है मेन ऑफिस, ये भैया है। आपका नाम? निखिल नाम है भैया का, ये इनका ही ऑफिस है, उनसे हमने गाड़ी ली थी, पहले दिन हमको 1300 रुपये की पड़ी थी, नेक्स्ट डे 1000 रुपये की पड़ी थी, तो वापस गाड़ी हमने भैया को दे दी। एक बार आपका नंबर बता दो, 8250-688-435। तो अगर आप लोग दार्जिलिंग आ रहे हो तो स्कूटी रेंट कर सकते हो, मोटरसाइकिल भी रेंट कर सकते हो, तो बुलेट का क्या वो होगा रेंट 1500 रॉयल इनफील्ड का 1500 रेंट है, स्कूटी सबसे सस्ती पड़ती है, और ये मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि इसके अंदर का सामान भी आता है आपका, और 2 जने हो तो आराम चला सकते हो, आपके साथ में कोई लेडी भी हो तो वो भी चला सकती है, इसलिए हमने ये करी थी कि पायल भी चला लो और मैं भी चला लूँ। तो अभी हमने गाड़ी दे दी भैया को, अभी टाइम हो रहा है 6:46, 6 बजे का टाइम था लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए ट्रैफिक चेक कर में, अभी गाड़ी दे दी। ये भैया का ट्रैवल्स, क्या नाम है? कंचनजंगा टूर एंड ट्रैवल्स। ये भैया आइटनरी बनाते हैं, ये पूरा कंप्यूटर बाइक तो स्कूटी और ट्रैकिंग तो टैक्सी का भी है। ये नंबर है भैया का। तो अगर कोई भी आता है दार्जिलिंग तो भैया कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हम बैठ गए टैक्सी में, उन्होंने भैया ने खुद ने हमको टैक्सी करवा दी, अब हम सीधे जा रहे हैं डाली मोनेस्ट्री हमारे होम स्टे पे। ये टाटा सुमो है, ये पुराना मॉडल है ना ये सुमो का, कौन सा मॉडल है ये? 8 का है, 2008 का जी। यहाँ पे सारी टाटा सुमो चलती है। हाँ तो दार्जिलिंग में टाटा सुमो चलती है बड़ी गाड़ियों में, 2008 का मॉडल है।
यहाँ पे मेनली दो ही गाड़ी चलती है टूरिस्ट में, एक तो चलती है टाटा सुमो, 80% टाटा सुमो है, 20% चलती है मारुति वैन, क्योंकि उसमें क्या स्पेस अच्छी होती है ना, 20% मारुति वैन चलती है और बाकी अदर गाड़ी चलती है नॉर्मल। टाटा सुमो गोल्ड और टू व्हीलर में चलती है एंटोर, टीवीएस एंटोर जो हमारे पास थी ना, मतलब ये आप समझ लो टूरिस्ट पर्पस में वही चलती है, रेंट पर सारी गाड़ी आपको वही मिलेगी, टीवीएस एंटोर 90% टीवीएस एंटोर, बाकी फिर अदर आ जाती है रॉयल एनफील्ड और पल्सर 220 भी खूब चलती है यहाँ पे, पल्सर 220, एवेंजर, रॉयल एनफील्ड, KTM और RS 200 जो मेरे पास है ये भी खूब चलती है यहाँ पे, मतलब बजाज फेमस है कंपनी यहाँ पे और TVS फेमस है और रॉयल एनफील्ड तो है ही क्या, हिमालयन बाइक, वो हिमालय के लिए है ही फेमस। कहने को तो दार्जिलिंग छोटा सा हिल स्टेशन है लेकिन यहाँ पे रहने की सारी सुविधा है, मतलब बिजली पानी तो है ही है, साथ में पक्के घर है, सीमेंट और ईंट के पक्के घर है और साथ साथ में गाड़ियों के भी बहुत सारे शोरूम है यहाँ पे। हमने देखा था एक टाटा का शोरूम जो हमारे रूम के जस्ट सामने ही है, टाटा का हो गया, हिंडा है, मारुति का है और TVS का है, बजाज का है, होंडा का है, सबके शोरूम है, रॉयल एनफील्ड का शोरूम है और सबके सर्विस सेंटर भी है, एसेसरीज की दुकानें भी है गाड़ियों की। और सबसे अच्छी बात, यहाँ के लोगों को गाड़ी मॉडिफिकेशन का शौक है, मतलब जितनी भी आप गाड़ी देखोगे ना, चाहे टैक्सी हो चाहे पर्सनल या फिर लोकल किसी की हो, 70-80% गाड़ी मॉडिफाइड मिलेगी आपको, मतलब चौड़े टायर, लाइट मॉडिफाइड, म्यूजिक वगैरह अच्छी तरह मॉडिफाई कर करते हैं हमें गाड़ी शौक के तौर पर। और अपने क्या है, जैसे जयपुर में दो सीरीज चलती है गाड़ी में नंबरों में, RJ14 और RJ45, यहाँ पे चलती है चार सीरीज, WB 74, 75, 76, 77 और 78, ये चार सीरीज यहाँ पे चलती है, ये दार्जिलिंग की सीरीज है। और अगर वेस्ट बंगाल के अदर कोई स्टेट से सिटी से आते हैं जैसे कलकत्ता वगैरह, उनकी अलग सीरीज है उनकी, ये वेस्ट बंगाल की सीरीज है। अब तो अगर अपने जयपुर में भी दो की जगह तीन सीरीज होने वाली है, एक सीरीज बढ़ने वाली है, अब शायद 50 या 52, RJ50 या RJ52 शायद मेरे को ऐसा सुनाई में आया था, कहीं पढ़ा था मैंने, RJ52 RJ50 सीरीज स्टार्ट होने वाली है अपने जयपुर में भी। तो बस आज कहते व्लॉग था, आज के व्लॉग को एंड करते हैं, कल टाइम से अपलोड हो जाएगा ये वाला, अभी एडिटिंग कर देते हैं वरना नींद आ जाएगी, थक गए क्योंकि बुरी तरह। अब कल का दिन बाकी है हमारे पास घूमने के लिए, तो कल हम खाली जाएंगे बतासिया लूप जो कि हमारे होटल से बिल्कुल पास में है, मतलब 1 किलोमीटर है खाली, तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आराम से जाएंगे हम बतासिया लूप, कल पूरा दिन वहीं इंजॉय करेंगे, छोटा सा होगा कल का व्लॉग और फिर परसों निकल जाएंगे हम दार्जिलिंग से जयपुर के लिए। तो चलो, अगर आपको हमारी दार्जिलिंग की सीरीज पसंद आ रही हो तो डू सब्सक्राइब टू चैनल एंड हिट द लाइक बटन। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय।